वेलकम बैक। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि लड़कियों को वो एक ट्रांजिशन का जो है स्पेस नहीं मिलता, और उसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल नफसियाती जी मसाइल प्री बन मैरिटल जाते। काउंसलिंग नहीं है किसी तरह से भी। प्री बिल्कुल मैरिटल काउंसलिंग में बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जो शादी का स्ट्रेस नहीं आता बच्चों पे। तो अब यही बात है कि इस बच्ची के साथ भी यही हुआ कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब उसने एस्केप ढूंढना चाहा, तो उसको एक तो वो लड़का नज़र आया जिससे वो ट्यूशन पढ़ती थी। उसने सोचा कि शायद अगर मैं उसके साथ चली जाती तो तो मेरी ये ज़िंदगी मुख्तलिफ होती, या होती। मैं पढ़ सकती, या मैं जी आगे कुछ बन सकती। बिल्कुल, तो ये वो बात है। उसने जो अपने सारी अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब जो हैं उसका सिंबल उस लड़के को बना दिया, जी बिल्कुल, हालांकि मतलब कोई ऐसी उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं जी। थी, कोई और साथ ये एफिलिएशन नोट नहीं करने थी। की बात ये है कि ये मामला तो पाकिस्तान में हजारों लड़कियों को पेश आते हैं, तो क्या हर हर शख्स इसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है? ऐसा नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि बहुत से घरों में बच्चियों को बोलने की आज़ादी है, अपनी आज़ादी है, ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात, ये लेना है, इस वक्त ये खाने को दिल चाह रहा है, बाहर वॉक करने को दिल चाह रहा है, बिल्कुल उनकी आइसक्रीम छोटी खाने जा छोटी रहे ख्वाहिशात को हैं, पूरा ज़रूर करें, बिल्कुल खास तौर पे जिसमें जिस्मानी वर्जिश शामिल हो, बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। और तो अगर अगर एक बच्चा जो है पढ़ाई परसू कर रहा है, जी और अगर शादी की कोई बात आ भी जाती है, तो आप कह सकते हैं कि भई आप बाद में भी पढ़ सकती हो, जी, या ससुराल वालों के साथ कोई ऐसी कॉम्पनसेट करें, अंडरस्टैंडिंग उसकी की जा ख्वाहिशात की सकती है। कॉम्पनसेशन करनी चाहिए, हाँ, शादी मुदावा, का कोई ये ना कोई मतलब मुदावा, नहीं है कि भई वो उसकी बाकी सारी जो है उसकी एक्टिविटीज खत्म इंटेलेक्चुअल हो जाएंगी। एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जी जाएंगी। बिल्कुल। बिल्कुल मगर देखिए, अगर कभी हो, अब पता चल गया कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या इस किस्म का कोई और डिसऑर्डर है, जो कि हिस्टेरिया का हमारी, कोई जी, केस है, कि हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो जिस्मानी प्रॉब्लम बन के बाहर आ रही बाहर आ है, रही है, तो उसके लिए इलाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसका इलाज तो ये है कि देखिए, कई दफ़ा इन लोगों को ये भी महसूस होता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ें बातें कर रही हैं। अब इससे ये मत ले लिया जाए कि इनको साइकोसिस है स्किज़ोफ्रेनिया है या या शिज़ोफ्रेनिया साइकोसिस, है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि आप बाकी रियलिटी टेस्टिंग देखिए ना, कि जब वो ठीक होती है तो ठीक होती है, ये तो कभी कभार ऐसा हुआ कि अंडर स्ट्रेस वो ऐसा कर रही है। तो अब हमने ये देखना है कि सोच और बर्ताव की थेरेपी इस्तेमाल करेंगे, यानी ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर बिहेवियर थेरेपी, थेरेपी, जी, बिल्कुल, तो जिसके जहाँ पे जरिए हम उसकी उसकी सोचें बदलेंगे, बदलेंगे सोचे जी, बदले, और उसकी और उसकी हरकतें सोच क्या है उसकी गलत, वो गलत सोच ये है कि मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं। सुनेगा और नहीं। वो, अच्छा, होता ये है कि ये लोग, ये मरीज जो हैं, ये बोलने से पहले ही तय कर लेते हैं कि हमारी बात पे तो कोई यकीन करेगा हाँ, ही नहीं, एक अटर्नल जी, होपलेसनेस है। होपलेसनेस। तो आप अगर बच्चे उसको हम ये यकीन दिलाएं थेरेपी में कि आप जो कह रहे हैं, जहां का दर्द बता रहे हैं, हम वो सुन रहे हैं सही और है। समझ रहे हैं, हाँ, सो अब एक एक जी रिश्ता रिश्ता डेवलप बिल्कुल, हो गया परेशानी है, नहीं, रिलेशनशिप डेवलप हो गया है आपके जी, थेरेपिस्ट उसकी के सोच में साथ, तब्दीली लाएं कि कि भाई आपकी बात सुनी जा रही आप है, इम्पोर्टेंट हैं, आप ज़रूरी हैं, जी। और आपकी बात सुनी जाएगी। और प्रोग्राम का दूसरे नंबर पे वक्त, साथ ये रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, थोड़ी बिल्कुल सी मैं बिल्कुल बात बिल्कुल ऐड बिल्कुल करना चाह रही बिल्कुल, थी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सिखाएं और बच्चे को ये सिखाएं, लड़कों को या लड़कियों को, कि अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है कंट्रोल और करना है, उनको किस तरह कितना, एक्सप्रेस किस करना तरह है। एक्सप्रेस करना है, थैंक यू जी, सो मच नौशीन, थैंक यू सो थैंक मच यू, ताज़ीन। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।